तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो है गेमिंग इंट्रो कैसे बना सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप इस इंट्रो को देख पा रहे होंगे, तो ये जो इंट्रो है दोस्तों मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से ही बनाया। कैसे बनाया है मैं आपको इस वीडियो में उसी के बारे में सब कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आप भी बना सकते हो इस तरह का इंट्रो जो है। तो चलिए फटाफट जो टाइम ना लगता है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कहाँ पे आपको लिंक लेके जाएगा, इधर पे देख सकते हो। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह का आपको पेज देखने को मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही तो आप इधर पे देखते हो कुछ इस तरह का इसका लुक दिया गया है इधर पे। तो इधर पे आपको करना क्या, अभी आपको इधर पे ओपन इन क्लिप मेकर का एक ऑप्शन देखने को मिला, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके इधर पर लोडिंग होता है, जब तक आपको लोडिंग होता है तब तक आपको इधर पर वेट करना है दोस्तों। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों इधर मेरा लोडिंग हो चुका है। अभी सबसे पहले आपको इधर पे करना क्या है, आपको इधर पे जो है साइड में थ्री डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस ऑप्शन जो है क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को इधर पे मिल जाते हैं। इधर भी आपको अभी करना क्या है, आपको इधर पे सेकंड वाला जो बेसिक ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वीडियो रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको उधर पे क्लिक करके दोस्तों आपको 720 पिक्सल जो है सिलेक्ट करना है। आपको पता होगा 720 पिक्सल, तो दोस्तों आपको वो जो 720 पिक्सल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वापस से जो थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करके आपको इधर पे जो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन में चले आना है। इधर पे देखते हो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में आना है। उसके बाद आपको इधर इसको कुछ इस तरीके से करना है, नीचे लाना है थोड़ा सा, और आपको इधर पे दोस्तों कई सारे जो टेक्स्ट आपको लिखे हुआ देखने को मिलेगा। इधर पे अभी आपको करना क्या है दोस्तों, इधर पे आपको देखना है जो टेक्स्ट और टेक्स्ट नेम करके कहाँ लिखा गया है। तो चलिए इधर मैं देखता हूँ कहाँ पर लिखा गया है। इधर पर जो बहुत कुछ लिखा गया है तो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा इधर पर। तो चलिए इधर मैं इसको नीचे ले आता हूँ फटाक से, इसको पहले नीचे लेके आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करना है आपको वीडियो में बताता हूँ मैं। वीडियो में बने रहे दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, चलिए मैं आपको फटाफट करके बताता हूँ। तो दोस्तों इधर पे आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। इधर पे लिखा गया ग्रुप टेक्स्ट और इधर पे टेक्स्ट नेम करके लिखा गया है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे आपको टेक्स्ट नेम करके लिखा रहेगा वहाँ पे आपको आना है। तो इधर पे देख सकते हो मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। तो आपको अभी करना क्या, आपको इस टेक्स्ट नेम वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इधर पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। आपको इधर पे 3D टेक्स्ट करके लिखा गया नीचे, आप देख सकते हो साइड में, इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो 3D टेक्स्ट लिखा गया। आपको इसको ऊपर करना है कुछ इस तरीके से, और आपको नेम जहाँ लिखा गया वहाँ पर आना है। आपको वहाँ पर आपको इससे अपने जो हाथों से टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको इसको जो है कट करना है। कट करने के बाद आपको इधर पे अभी जो नाम लिखना चाहते हो आप अपने जो भी आपका यूट्यूब चैनल का नेम है आपको को डाल देना है। तो जैसे मान लीजिए इधर मैं अपना नाम डालता हूँ, चलिए तो इधर मैं जो अपना नाम डाला है, जैसे मैंने इधर पे डालने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो है अपना एरो को क्लिक करना है। आपके जो कीबोर्ड में एरो रहता है दोस्तों, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वही काम जो दूसरा वाला आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, आपको दूसरे वाले टेक्स्ट पर भी वही काम करना है। तो जब मैंने जो है दूसरे वाले टेक्स्ट पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने नेम पर क्लिक किया, उसके बाद इसको हटाता हूँ मैं इधर से, और इधर से मैं जो अपना नाम डाल लेता हूँ वापस से। इधर पर डालने के बाद दोस्तों आपको वापस से जो अपने कीबोर्ड का एरो बटन को क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अभी आपको इधर पे कुछ भी नहीं करना है, आपको वापस से दो 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोड में बैलेंस का ऑप्शन सिलेक्ट है, आप इस पर क्लिक करके आपको जैसा क्वालिटी चाहिए वीडियो आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मान लीजिए जैसे मैं इधर से एग्जाम्पल की आपको गुड क्वालिटी में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इधर आपको स्टार्ट वीडियो रेंडर का एक ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको जो वीडियो रेंडर होना स्टार्ट हो जाता है। आपको इधर कुछ टाइम दिया जाएगा आपके वीडियो के हिसाब से, आपका जैसा नेट चलेगा उसके हिसाब से आपको उतना टाइम इधर पे लगेगा आपको वीडियो रेंडर होने में दोस्तों। तो जब आपको वीडियो रेंडर हो जाएगा, उसके बाद आपको जो इधर पे करना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बन रही है, वीडियो देखते रहिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फटाफट जो वीडियो को मैं आगे बढ़ा, वीडियो रेंडर होने में टाइम लगेगा। तो चलिए मैं फटाफट जो वीडियो आगे बढ़ा के मैं आपको वीडियो में आगे मिलता हूँ, आगे क्या करना है आपको वीडियो रेंडर होने के बाद। तो दोस्तों इधर पे आप देख सकते हो मेरा कुछ ही सेकंड बाकी रह गया वीडियो को रेंडर होने में, तो इधर पे लगभग 10 सेकंड के आसपास रह गया है। तो चलिए 10 सेकंड थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो में बताता हूँ आगे क्या करना है आपको। तो इधर पर जो मेरा 6:05 हो चुका है, अभी मेरा जो इधर पे होने में कम्प्लीट होने वाला है, तो इधर पे आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों आपको इधर पे करना क्या, डाउनलोड योर वीडियो का ऑप्शन है, आपको उस पर जो है क्लिक कर देना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको इधर पे थोड़ा वेट करना है। वेट होने के बाद आपको जो वीडियो है अपने आप डाउनलोड होके आपको इधर पे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको जो वीडियो डाउनलोड हो चुका है। इधर पे देखते हो मुझे एक नोटिफिकेशन आ चुका है। इधर पे दोस्तों देख सकते हो योर वीडियो जो है डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है डाउनलोड होना। तो अभी दोस्तों आप इस तरीके का जो इंट्रो बना सकते हो इस तरीके से, तो जाइए आप भी ट्राई कीजिए इस तरीके का इंट्रो। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाले हमारे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।